ये मेरे ख्याल से बहुत जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और जो मैं आज हूँ, जहाँ भी हूँ, प्रोफेसर हूँ, दुनिया में गया हूँ, उसमें जो मलाराशन की ट्रेनिंग हुई है, मुझे हुई है, और सबके साथ और सबकी शुभकामनाएं मिलती है, उसमें उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। चमेली देवी, आप जितने भी विश्व के या भारत के संस्थान है, उसमें ये गुण को लाना बहुत जरूरी है। और डायरेक्टर साहब और प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एज अ बिफोर वी बिकम अ गुड डॉक्टर, गुड इंजीनियर, लेट अस बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। यदि हम अच्छे मनुष्य बन जाएंगे तो दुनिया की आधी से ज्यादा समस्याएं ऐसे ही हल हो जाएगी, चाहे पर्यावरण की समस्या हो, हिंसा की समस्या हो, बहुत सारी समस्या हल हो जाएगी। तो मुझे बहुत गर्व है और बहुत खुशी है कि मलाराशन से मेरा परिवार आज यहाँ पर आया है, और उसका मुझे बहुत आनंद मिला इसका, और उम्मीद है कि ये हौसले के साथ में इस सोलर लैंप को, जो छोटी सी चीज है, पर हम उसको दुनिया भर में लेके जाएंगे, और जो एनर्जी स्वराज आंदोलन है उसको पूरी दुनिया में लेके जाएंगे, तभी और विश्व का कल्याण हो सकता है। और भारत जो कि इतनी क्षमता रखता है, मेरे ख्याल से सोलर ऊर्जा एक ऐसी चीज है जिसका उपयोग करके हम फिर से एक वर्ल्ड लीडर के रूप में, विश्व गुरु के रूप में आगे जा सकते हैं। परंतु एनर्जी स्वराज के मॉडल को अपना के हम इसको वर्ल्ड लीडर में जा सकते हैं कि कैसे दुनिया को एनर्जी का जनरेशन करना चाहिए और कैसे उसका उपयोग करना चाहिए। सो भाई साहब लोग, एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बधाई, मुझे बहुत खुशी थी। टू ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, इट वाज रियली प्लेजर बीइंग हियर, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स सो मच। आपकी जो मलाराशन की यात्रा रही बेल्जियम तक की, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, बेल्जियम तक कैसे आप पहुंचे? मलाराशन से बेल्जियम कैसे गया, ये इसमें बहुत सारी कहानी में बहुत सारे क्या बोलते हैं ट्विस्ट और टर्न है, सब बताने जाऊंगा तो इतना समय नहीं है, फिर भी कुछ बताता हूँ। जब मैं बारहवीं पास करके घर गया तो पिताजी ने पूछा, अच्छा पीटी के एग्जाम कब है? तो मुझे, मैंने कहा पीटी ये क्या चीज होता है? नो, आई वॉज नॉट इवन अवेयर कि इंजीनियरिंग एग्जाम होती है, फिर कैसे करके होलकर साइंस में एक एडमिशन ले, एक साल पढ़ा मैं, फिर लगा कि नहीं यार कुछ तो इंजीनियर, उस समय तो बहुत बड़ा काम होता था बनने के लिए, तो ड्रॉप लिया। बहुत मना किया घर वालों ने कि नहीं ड्रॉप नहीं लेना, एक साल नहीं हुआ तो क्या होगा, बट अब दुर्भाग्य की बोले कि भाग्य की बात बोले, मैंने कभी पिताजी की सुनी नहीं। पिताजी ने बोला था घर पे 10th के बाद जाके मेडिकल लेना, मैंने वहाँ पे मैथमेटिक्स ले लिया, बायो लेना, मैथ्स ले लिया, पर किस्मत से अच्छे करके इंजीनियर बना। जब थर्ड ईयर में इंजीनियरिंग कर रहा था तो मुझे लगा कि ऐसा लेक्चर दिया किसी ने, तो किसी ने बोला कि नहीं इंजीनियर लोगों को नौकरी पैदा करना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। तो मुझे आइडिया है कि मैं तो बहुत बढ़िया बात है, मैं तो गाँव से हूँ, मैं तो गाँव में एक फैक्ट्री खोलूंगा। और उस समय जो मुझे फैक्ट्री खोलने का आइडिया आया वो था जूते चप्पल बनाने की फैक्ट्री, ना प्लास्टिक के, पर मुझे पता नहीं क्यों लगा कि ये बहुत सही बढ़िया काम है, क्योंकि वो गांव में जो कुल्फी वाला बेचने वाला आता था वो हमेशा या तो पैसे लेता था या टूटा फूटा सामान लेता था, हम लोग ना फटे टूटे जूते चप्पल या कुछ तो लोहे का सामान लेके कुल्फी ले लेते थे। तो मुझे लगा कि बढ़िया है, यही जूते चप्पल बनाएंगे, यहीं पे कुल्फी वाला लाके कच्चा सामान देगा, वो बढ़िया साइकिल चलेगा। तो मैं थर्ड ईयर में था, मैंने बहुत जुनून के साथ में पूरा बिजनेस प्लान बनाया, फैक्ट्री देखने गया कैसे होता है, कहाँ होता है। उस समय करीब 1.5 लाख रुपए लोन की जरूरत थी। उस समय मेरे गांव में, आज भी मेरे गांव में बस नहीं जाती, उस समय भी नहीं जाती, उस समय गांव में साइकिल भी नहीं होती थी। तो मैं अपना लोन के पेपर लेके जाके पिताजी के सामने रखा कि मैंने क्या आप इसको ये क्या है बोलते हैं, मैंने उनको बताया था कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, उन्होंने बोला ये क्या है, मैंने कहा ये लोन के कागज है, आपको आपकी जमीन गिरवी रखना है। उन्होंने नहीं बेटा, मतलब ये तो बहुत छोटा, कैसे कर सकते हैं, तुम छोटे हो, ये वो जमीन गिरवी, नहीं नहीं मुझे करना है करके मैं बहुत पीछे पड़ गया। तो उन्होंने जहां तक समझा सकते थे कोशिश की, समझाया, नहीं समझा तो उन्होंने एक पड़ोस में डंडा रखा था, उठा के जो पिटाई की है वो ऐसे मूवी में होता है ना, पीछे निशान पड़ जाते, वैसे ही निशान पड़ गए। वो पिटाई इतनी जबरदस्त थी कि वो फैक्ट्री का भूत वहीं उतर गया। बट फॉर्चुनेटली आगे बढ़ा, हमारे जो भी गाइडेंस मिला वहां से फिर, पर ये मन में ये जरूर रहा कि कुछ कैसे हम ऐसे कुछ काम करें जो समाज के लिए हो, जो समाज को टेक्नोलॉजी मिले। फिर मास्टर्स किया, मास्टर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में किया, बहुत अच्छी जॉब मिली, है ना, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट करके बहुत बड़ी कंपनी थी, उस समय का सबसे हाईएस्ट सैलरी वाला जॉब था। पर मन में तो यही था कि नहीं ये सब नहीं करना है, कुछ ऐसा करें। तो फिर मेरे गाइड ने बोला कि नहीं आप एक काम करो, सोलर में पीएचडी कर लो, क्योंकि सोलर में किया तो फिर टेक्नोलॉजी भी काम में आएगी। अच्छा, उस समय नौकरी कर रहा था, नौकरी छोड़ के
पीएचडी करना, जाके उस समय तो ये होता था कि जाके कहीं टीचर बन जाओगे तो बहुत लोगों ने कोसा भी, घर वालों ने कोसा है क्या कर रहा है ना इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के। बट मुझे लगा कि नहीं उसमें जाना चाहिए, और मेरे ख्याल से वो सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन था मेरा कि मैं वो नौकरी छोड़ के बेल्जियम में सोलर में पीएचडी करने गया। अच्छा, जब उस समय यूरोप जाते थे, अमेरिका जाते थे, तो सबसे खतरनाक काम होता था कि वापस नहीं आते थे, राइट? जो गया तो गया गया, और मुझे उसका इतना डर था कि हे भगवान मैं वापस नहीं आया तो कैसे होगा। तो मैं क्या करता था, अपने डायरी में हिसाब लिखता था रोज कि कितने दिन बचे। मैंने एक दिन फिक्स कर लिया कि इस दिन वापस जाना है, तो दिन कौन सा फिक्स करें, 31 दिसंबर फिक्स करें कि 1 जनवरी करें। तो फिर मैंने सोचा एक काम करते, जन्मदिन फिक्स करते, 21 मई मेरा जन्मदिन है। 5 साल एडवांस मैंने दिन फिक्स किया कि 21 मई 2004 में जाऊंगा। तो मैं रोज काउंट करता था कि आज 1219 दिन बचे हैं, 1218 दिन बचे, इतने दिन बचे, उतने दिन बचे। आपको विश्वास नहीं होगा, जब मेरी पीएचडी खत्म हुई और जब मैंने फ्लाइट ली बेल्जियम से, वो 20 मई था, और 21 मई को मैं भारत देश में कदम रखा और आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन किया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये कि यदि आप सच्चे दिल से ना, शाहरुख खान की मूवी देखी होगी ओम शांति ओम, शाहरुख खान का बहुत फेमस डायलॉग भी है कि किसी दिल को ना, किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको जुटाने में लग जाती है। और ये इस चीज का मैंने हर कदम पे अनुभव किया है, जहां जहां भी मैंने सोचा ऐसा करना चाहिए और दिल से चाह, हर जगह संभव हुआ है। तो मेरे ख्याल से जितने युवा लोग यहाँ बैठे हैं, यदि आप सच में चाहते हो, यदि आप बहुत अच्छा गुंडा बनना चाहते हो, आई गारंटी कि आप बहुत अच्छा गुंडा बन सकते हैं, पर ईमानदारी से इच्छा होना चाहिए। आप बहुत अच्छा आदमी बनना चाहते हो, आई गारंटी कि आप बहुत अच्छा आदमी बन सकते हो। आप बहुत तहे दिल से समाज सेवा करना चाहते हो, आई गारंटी आप सबको वो मौका मिलेगा। तो मेरे ख्याल से वो उसके कारण फिर ये सब हुआ। मैं भारत में आया, भारत में भी आईआईटी में जब पढ़ा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि नहीं मुझे तो गांव के लिए कुछ करना चाहिए। फिर धीरे से सोलर लैम्प का काम चालू किया, सोलर लैम्प में भी कई सारे फेलियर्स हुए, अच्छे भी सफलता मिली। और धीरे धीरे मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं विश्व यात्रा पे जाऊंगा और गांधी जी के सिद्धांत को और सोलर को आगे बढ़ाने का काम कर पाऊंगा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ऐसा वातावरण मिला, ऐसी शिक्षा मिली, ऐसे दोस्त मिले, ऐसे माता पिता मिले, ऐसे भाई मिले, क्योंकि ये सबको नहीं मिलता। और जबकि मिला है मुझे, तो मेरा हमेशा मन ये रहता है कि कैसे हमारे जीवन को हम सफल बनाएं और दूसरे के काम में लगाएं। और जो व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको ये जो है कि जो चाहते हो मिल ही जाता है, और जरूरत से ज्यादा ही मिलता है। इनफैक्ट आपको आश्चर्य होगा, कई बार जब मैं यात्रा कर रहा तो कई बार ऐसा होता है कि अच्छा मन में होता है कि अच्छा ऐसा करना चाहिए, और वो हो ही जाता है। तो और आपको बता दूं, मैं एक आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर भी हूँ, मैं योगा और मेडिटेशन भी पढ़ाता हूँ। और हमें सिखाया जाता है कि अच्छा पहले जमाने में होता था ना कि ऋषि लोग होते थे कि किसी को श्राप दे दिया तो वैसा हो गया, या किसी को आशीर्वाद दे दिया तो वैसा हो गया। आपको लगता है ऐसा हो सकता है? श्राप दिया तो फल गया और आशीर्वाद दिया तो भी फल गया, आज के जमाने में ऐसा हो सकता है? 100% हो सकता है। मनुष्य के अंदर इतनी ऊर्जा है, इतनी ताकत है कि हमको आपका अनुभव ही नहीं कि आप क्या कर सकते हो। हमारा मन इतना ताकतवर है कि वो कुछ भी कर सकता है, पर उसके लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, सेवा, साधना और सत्संग की। मेरे ख्याल से आप लोग को सत्संग में जाना ही बहुत अजीब लगता होगा आपको। मैं जब स्कूल जाता हूँ, हमारा कंपलसरी काम है, हम लोग बैठ के सत्संग करते हैं। सेवा करना चाहिए और साधना करना चाहिए, योग, ध्यान और मेडिटेशन। इतना पावर है आपके अंदर में, आपको रियलाइज होगा। और जब आपको रियलाइज होगा, हर क्षण यू विल बी नो फ्लावर, यू विल बी लाइक अ फ्लावर। हर समय आप एक ना जॉय के फाउंटेन बन सकते हैं कि आप खुद खुश होंगे तो आसपास भी खुशी फैलाएंगे। इसलिए मैंने सबसे पहले आके पूछा आप लोग कैसे हैं। अच्छा, कैसे हैं सब लोग? हैप्पी? अच्छा, हम लोग जब खुश नहीं होते हैं तो आपको पता है कितना प्रदूषण फैलाते हैं? मैं उसको बोलता हूँ इमोशनल पॉल्यूशन। हम लोग कौन सा पॉल्यूशन फैलाते हैं? ऐसा जब लटकाया हुआ चेहरा लेके घूमते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत इमोशनल पॉल्यूशन फैलाते हैं। दुनिया में एक काम करना, कुछ मत करना, सिर्फ खुद खुश हो जाना, इतना काम कर दिया तो बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। एंड इसलिए मैं कहता हूँ कि खुश होना, खुद का खुश होना हमारी पसंद नहीं है, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? एग्री विद मी? आपका खुश रहना आपकी चॉइस नहीं है, इट इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड इफ यू फुलफिल दिस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट विल बी द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द वर्ल्ड।
एंड दैट्स व्हाई आई सेड बिफोर यू बिकम अ डॉक्टर, बिफोर यू बिकम इंजीनियर, उसके पहले लेट अस ऑल बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग. हम लोगों ने अच्छी मनुष्यता ही खो दी, इसके कारण ही सारी समस्या. सो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज हाउ आई एम हियर. थैंक यू वेरी मच. आई एम रियली लकी. आई फील ब्लेस्ड दैट ऑल ऑफ यू. Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.